नमस्कार। असम सरकार में सरकारी नौकरी पाने वाले सभी नौजवानों को और उनके परिवारों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पिछले महीने मैं बिहू पर असम आया था, उस भव्य आयोजन की स्मृति मेरे मन में आज भी ताजा है। उस समय हुआ कार्यक्रम असमिया संस्कृति के गौरव गान का प्रतीक था। आज का ये रोजगार मेला इस बात का प्रतीक है कि असम की बीजेपी सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर कितनी गंभीर है। इसके पहले भी असम में रोजगार मेले के द्वारा 40,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है और आज फिर से एक बार आज करीब करीब 45,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। मैं सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथियों, बीजेपी सरकार में आज असम शांति और विकास के एक नए युग का साक्षी बन रहा है। विकास की इस रफ्तार ने असम में पॉजिटिविटी और प्रेरणा का संचार किया है। मुझे बताया गया है कि असम सरकार ने सरकारी भर्तियों को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए असम सीधी भर्ती आयोग बनाया गया है। पहले की प्रक्रिया में हर विभाग में अलग अलग नियम होते थे, इससे कई बार भर्तियां समय पर पूरी नहीं हो पाती थी। उम्मीदवारों को भी अलग अलग विभागों के पदों के लिए अलग अलग परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता था। अब इन सारी प्रक्रियाओं को बहुत आसान बना दिया गया है। इसके लिए असम सरकार वाकई बहुत बहुत बधाई के पात्र है। साथियों, आजादी के अमृत काल में हम सभी ने अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। अमृत काल के ये अगले 25 वर्ष आपके सेवा काल के भी उतने ही अहम है। हर सामान्य नागरिक के लिए अब आप ही असम सरकार का चेहरा होंगे। आपका व्यवहार, आपकी सोच, कार्यों को लेकर आपकी अप्रोच, जन सामान्य के प्रति सेवा भाव, इसका जनता पर प्रभाव अब बहुत ज्यादा होगा। इसलिए आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है। आज हमारा समाज तेजी से एस्पिरेशनल हो रहा है। अब पहले का जमाना नहीं रहा जब लोग मूल सुविधाओं के लिए भी दशकों का इंतजार कर लेते थे। आजकल विकास के लिए इतना इंतजार कोई नागरिक नहीं करना चाहता। 2020 क्रिकेट के इस दौर में देश के लोग तेज रिजल्ट भी चाहते हैं और इसलिए सरकारी व्यवस्थाओं को भी उसी हिसाब से खुद को बदलना होगा। देश के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने का बड़ा दायित्व सरकारी कर्मचारियों पर भी है।
जिस मेहनत और लगन ने आपको यहां तक पहुंचाया है, उसी मार्ग पर चलते हुए आपको आगे बढ़ना है। आपको हमेशा सीखते रहना है, इससे आप समाज और सिस्टम दोनों को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकेंगे। साथियों, आज भारत बहुत तेजी के साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण कर रहा है। नए नए हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाना हो, नई रेल लाइनों का निर्माण हो, नए पोर्ट, एयरपोर्ट और वाटरवे का निर्माण हो, इन परियोजनाओं पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का हर प्रोजेक्ट सरकार द्वारा खर्च की जा रही राशि रोजगार और स्वरोजगार में बढ़ोतरी कर रही है। जैसे कहीं कोई एयरपोर्ट बनता हो तो उसमें इंजीनियर, टेक्नीशियन, अकाउंटेंट, मजदूर, तरह तरह के इक्विपमेंट, स्टील और सीमेंट की, यानी हर प्रकार की जरूरत पड़ती है। यानी एक निर्माण से कई सेक्टरों में रोजगार के नए अवसर बनने वाले लगते हैं। रेल लाइनों का विस्तार करने से, उनके इलेक्ट्रिफिकेशन से भी रोजगार के अवसर तैयार हो रहे हैं। भारत आज जो बुनियादी सुविधाओं पर जोर दे रहा है, ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है, उसने भी देश के कोने कोने में रोजगार की नई संभावनाएं बनाई हैं। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने देश में करीब 4 करोड़ पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। इन घरों में शौचालय, गैस कनेक्शन, नल से जल और बिजली की सुविधाएं दी गई हैं। इन घरों को बनाने में, इन सुविधाओं को जुटाने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लॉजिस्टिक्स, स्किल्ड वर्कर और श्रमिक भाई बहनों की मेहनत बहुत बड़ी मात्रा में लगी है। यानी अलग अलग चरणों पर विभिन्न सेक्टरों में रोजगार के अवसर बनते गए हैं। रोजगार निर्माण में आयुष्मान भारत योजना की भी बड़ी भूमिका रही है। आयुष्मान भारत योजना की वजह से देश में अनेकों नए अस्पताल और क्लिनिक बने हैं। कुछ सप्ताह पहले मुझे एम्स गुवाहाटी और 3 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला था। पिछले कुछ वर्षों में असम में डेंटल कॉलेजों का भी विस्तार हुआ है। इससे मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े युवाओं के लिए रोजगार के साधन तैयार हुए हैं। साथियों, आज कई ऐसे सेक्टर्स में भी युवा आगे बढ़ रहे हैं जिनके बारे में 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। स्टार्टअप इकोसिस्टम ने देश में लाखों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स तैयार की है। एग्रीकल्चर, सोशल इवेंट, सर्वे और डिफेंस सेक्टर के लिए ड्रोन की बढ़ती मांग उसने युवाओं के लिए नए अवसर तैयार किए हैं। आज देश में जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, वो भी रोजगार के अनेकों नए अवसर बना रहा है। आज भारत में करोड़ों मोबाइल फोन बन रहे हैं, हर गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंच रही है। इससे भी बड़े पैमाने पर रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है। सरकार में काम करते हुए एक योजना, एक निर्णय का प्रभाव
किस तरह लोगों का जीवन बदलता है ये आपको हमेशा याद रखना है। साथियों, बीजेपी सरकार की नीतियों की वजह से आज नॉर्थ ईस्ट में बड़ी संख्या में युवा विकास की मुख्य धारा में आ रहे हैं। भाजपा की सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर देकर हम नए भारत के निर्माण की ओर तेजी से कदम भी बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर आप सबको और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।